लाला वेद प्रकाश अपने पुत्र सत्य प्रकाश को बहुत प्यार करते थे। सत्य प्रकाश भी अत्यंत सुशील और होशियार था। उसे किसी ने हट करते या रोते नहीं देखा था। एक दिन वेद प्रकाश अपनी पत्नी के साथ गंगा स्नान करने गया। वर्षा ऋतु थी, नदी अपने पूरे उफान पर थी। उनकी पत्नी निर्मला जल में जाकर स्नान करने लगी। वह वेद प्रकाश के मना करने पर भी पानी में गहरे तक जाकर स्नान करने लगी। अचानक ही उनका पांव फिसल गया और एक लंबी चीख के साथ निर्मला जलमग्न हो गई। वेद प्रकाश वही किनारे पर खड़े बदन पोंच रहे थे। वे तुरंत पानी में कूद पड़े। मल्लाहों ने बार बार गोते मारे पर लाश तक हाथ न आई। वेद प्रकाश खिन्न मन से घर वापस आ गए। पिता को देखकर सत्य प्रकाश उपहार की आशा में दौड़ा। उन्होंने उसे गोद में उठाया और चाहकर भी अपनी सिसकी न रोक पाए। सत्य प्रकाश ने पूछा, अम्मा कहाँ है? वेद प्रकाश ने कहा, बेटा, गंगा मैया ने उन्हें अपने पास रोक लिया। सत्य प्रकाश आशय समझकर रोने लगा। मातृविहीन बालक दया का पात्र होता है। माता के बिना वह परकटे पक्षी के समान होता है। धीरे धीरे सत्य प्रकाश को भी एकांत से प्रेम हो गया। पिता की आंखों में भी वह प्रेम न रह गया था। 6 माह बीतते बीतते एक दिन अचानक ही उसे मालूम हुआ कि उसकी नई माता आने वाली है। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी नई माँ आकर तुम्हें बहुत प्रेम करेंगी। सत्य प्रकाश, क्या मेरी माँ स्वर्ग से आएंगी? वेद प्रकाश, हाँ, वहीं से आएंगी। सत्य प्रकाश, मुझे उसी तरह प्यार करेंगी? वेद प्रकाश, हाँ, उसी तरह प्यार करेंगी। घर में विवाह की तैयारियां होने लगी। बारात में सत्य प्रकाश भी गया। वहां नई नानी ने उसे गोद में लेकर एक अशर्फी दी। नानी ने नई माता से कहा, बेटी, कैसा सुंदर बालक है, इसे प्यार करना। बच्चे भी रूप के उपासक होते हैं। अतः सत्य प्रकाश ने गहनों से लदी युवती को देखकर प्रसन्नता से उसका आंचल पकड़कर कहा, अम्मा। देवप्रिया इस उत्तरदायित्व भरे संबोधन को सह न सकी। वह अभी प्रेम एवं विलास का सुख स्वप्न देख रही थी कि इस शब्द ने उसके स्वप्न को भंग कर दिया। वह कुछ रुष्ट होकर बोली, मुझे अम्मा मत कहो। बालक सहम कर पीछे हट गया। देवप्रिया ने ससुराल आकर धीरे धीरे पूरे घर पर अधिकार कर लिया। देवप्रिया के पुत्र उत्पन्न होने के बाद सत्य प्रकाश और भी निरीह प्राणी बन गया। पिता की आंखों में वह प्रेम ज्योति न रही। नए शिशु का नाम ज्ञान प्रकाश रखा गया। सत्य प्रकाश ने उसे प्रेम से गोद में उठाया ही था कि विमाता ने आकर उसे बहुत डांटा। पिता ने भी उसे मारा। इसने उसके जीवन की काया ही पलट दी। वह घर में बहुत कमाता। पिता आते तो उनसे भी मुंह चुराता। वह ना किसी से कुछ मांगता ना कुछ बोलता। वह पहले कुशाग्र बुद्धि था, परंतु अब पढ़ाई से जी चुराता था। घर में कोई भी उसे प्यार करने वाला नहीं था। वह घर में अपने छोटे भाई ज्ञान प्रकाश से स्नेह करता था। एक बार सत्य प्रकाश कई दिन तक विद्यालय नहीं गया। पिता के पूछने पर उसने जवाब दिया कि फीस ना दे पाने के कारण उस पर जुर्माना लगा दिया गया है। पिता ने कारण पूछा तो उसने जवाब दिया कि ज्ञानू ने चंदा दिया तो मैंने भी फीस के पैसे चंदे में दे दिए। पिता ने डांट कर कहा, यदि इस प्रकार पढ़ाई से जी चुराओगे तो क्या भविष्य में भीख मांग कर खाओगे? इस पर उसने कह दिया, हाँ, यदि मेरे भाग्य में भीख मांगना ही लिखा है तो वो भी मांग लूंगा। दूसरे दिन सत्य प्रकाश ने घर से निकलने की तैयारी की। उसकी उम्र अब 16 साल हो गई थी। किशोरावस्था में आत्माभिमान कुछ ज्यादा ही हो जाता है। दोपहर के समय घर से निकल ही रहा था कि ज्ञानू पूछ बैठा, कहाँ जाते हो भैया? तुमसे अम्मा इतना चिढ़ती क्यों हैं? सत्य, शहर जाता हूँ, वहीं नौकरी करूँगा। ज्ञानू, भैया मेरा मन आपके बिना ना लगेगा। सत्य, मैं तुम्हारे स्कूल के पते पर चिट्ठी लिखूंगा। ये कहकर
कलकत्ते चल पड़ा। कलकत्ते पहुंचकर सत्य प्रकाश ने धर्मशाला में सामान रखा। वह डाक घर के सामने लिखने का सामान लेकर बैठ गया। अनपर मजदूरों की चिट्ठियां, मनी ऑर्डर आदि लिखकर पैसा कमाने लगा। उसके व्यवहार से आकर्षित होकर अनेकों मजदूर उसके पास आने लगे। इसी प्रकार समय बीतता गया। ज्ञानू के व्यवहार को याद करके उसने एक घड़ी भेंट स्वरूप ज्ञानू के पास भेज दी। इधर वेद प्रकाश अपने छोटे पुत्र ज्ञान प्रकाश का विवाह पक्का करना चाहते थे, किंतु ज्ञान प्रकाश ने साफ इनकार करते हुए कहा कि जब तक बड़े भैया का विवाह ना होगा तब तक मैं विवाह ना करूंगा। वेद प्रकाश भी यही चाहते थे, किंतु देवप्रिया के सामने कुछ भी कहने का साहस उन्हें न था। वेद प्रकाश ने साहस करके सत्य प्रकाश से क्षमा मांगते हुए पत्र लिखा। उन्होंने उससे घर आने की विनती की। सत्य प्रकाश ने पत्र के जवाब में 5 रुपए भेजते हुए पत्र लिखा, मेरा अहोभाग्य जो आपने मुझे याद किया। मुझे अपने कुटुंब पाश का बहुत कटु अनुभव है। अब मैं इस बंधन में नहीं बंधना चाहता हूँ। उसने दूसरा पत्र ज्ञान प्रकाश को लिखा कि माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करो, विवाह करके माता पिता को सुखी करो। वेद प्रकाश पत्र को पढ़कर अवाक रह गए। देवप्रिया ने सत्य प्रकाश की बुराई करनी आरंभ कर दी। ज्ञान प्रकाश ने पत्र पढ़ा तो उसे मर्माघात पहुंचा। उसने अपने माता पिता से कहा, कल मैं भैया से मिलने कलकत्ता जाऊंगा। देवप्रिया ये सुनकर क्रोधित हो गई। वह हर बात के लिए सत्य प्रकाश को ही दोषी ठहरा रही थी। वेद प्रकाश पत्नी को समझाते हुए कहने लगे कि ज्ञानू अभी क्रोध में है, शांत होने पर विवाह के लिए राजी हो जाएगा। देवप्रिया की आशंका सत्य निकली। वेद प्रकाश ने बेटे को बहुत समझाया और कहा कि तुम्हारी माता इस शोक में मर जाएंगी, परंतु उसने एक बार नहीं कहकर हाँ न की। अंततः पिता भी निराश होकर बैठ गए। 3 साल तक प्रतिवर्ष विवाह के दिनों में ये प्रश्न उठता रहा, पर ज्ञान प्रकाश अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। उसकी माता का रोना धोना सब निष्फल रहा। हाँ, उसने माता की एक बात मान ली, वह भाई से मिलने कलकत्ता न गया। मगर दोनों भाइयों में प्रेम पत्र व्यवहार बराबर होता रहता था। अब वेद प्रकाश उदासीन रहने लगे। उन्होंने पेंशन ले ली और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते रहते थे। ज्ञान प्रकाश भी पढ़ लिख कर एक विद्यालय में अध्यापक हो गया। देवप्रिया अब संसार में अकेली हो गई थी। बिरादरी की सुंदर गुणी कन्याओं का ज्ञान प्रकाश के सामने बखान करती, पर उस पर कोई असर न होता। देवप्रिया लोगों के घर गाना बजाना और चहल पहल देखती तो उसका चित्त चंचल हो उठता था। वह हर बात का दोषी सत्य प्रकाश को ही मानती। एक दिन उसने सत्य प्रकाश को एक पत्र लिखा, तू मेरे प्राणों का बैरी है, मेरे कुल का घातक है, हत्यारा है। वह कौन दिन आएगा कि तेरी मिट्टी उठेगी। तूने मेरे लड़के पर वशीकरण मंत्र चला दिया है। इसके बाद वह नियम पूर्वक ऐसे पत्र सत्य प्रकाश को भेजने लगी। सत्य प्रकाश की दुकान बहुत चलती थी, लेकिन कलकत्ते जैसे शहर में एक छोटे से दुकानदार का जीवन बहुत सुखी नहीं होता है। अकेलेपन एवं परिवार के सदस्यों की याद ने उसे बीमार बना दिया। युवावस्था में आत्मविश्वास होता है, वयोवृद्धि दूसरों का मुंह ताकती है, आश्रम ढूंढती है। रात को जब उसे नींद न आती तो उसका मन किसी से बातचीत करने के लिए लालायित होता, पर वहां निशांधकार के सिवाय कोई नहीं होता। इधर ज्ञान प्रकाश के पत्र आने भी कम हो गए थे। उसे संदेह होने लगा कि कहीं ज्ञानू का प्रेम उसके प्रति कम तो नहीं होने लगा है। मेरे लिए घर के द्वार बंद हैं, तो क्या वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस भ्रम ने उसे और भी हताश कर दिया। उस गरीब को क्या मालूम कि यहाँ ज्ञान प्रकाश से उसकी माता ने कलकत्ते ना जाने की कसम ले ली है। सत्य प्रकाश में एक नई आकांक्षा अंकुरित हुई। उसने सोचा कि क्यों ना घर लौटकर किसी संगिनी की शरण लूं। महीनों तक संघर्ष चलता रहा। एक दिन अचानक देवप्रिया का विषाक्त पत्र पाकर वह संज्ञाहीन हो गया। 3रे दिन फिर ऐसा ही पत्र आ पहुंचा। उनका पत्र आते ही अब वह बिना पढ़े ही उन्हें फाड़ देता था।
एक महीने तक इसी वेदना में घुल घुल कर वह बीमार पड़ गया। उसे रह रहकर अपनी माँ याद आती। विमाता का दुर्व्यवहार याद करके वह निराश हो उठता था। वह मृत्यु की कामना करने लगा। एक संध्या अचानक ज्ञान प्रकाश सत्य प्रकाश के घर आ पहुंचा। घर में अंधकार छाया हुआ था। सत्य प्रकाश ने लालटेन जलाई। ज्ञान प्रकाश भाई का जर्जर शरीर पीला मुख देखकर व्यथित हो उठा। सत्य प्रकाश, तूने आने की सूचना क्यों नहीं दी? ज्ञान प्रकाश, सूचना तो दी थी, आपको पत्र ना मिला होगा, माता जी का देहांत हो गया। सत्य प्रकाश, अरे क्या बीमार थी? ज्ञान प्रकाश, माता जी ने विष खा लिया था। पिताजी उन्हें दवा पिला रहे थे कि माता जी ने उनकी दो उंगलियां काट खाई। वही विष उनके शरीर में पहुंच गया, तभी से वे भी अस्पताल में पड़े हुए हैं। बचने की आशा नहीं है। सत्य प्रकाश, तब तो घर चौपट हो गया। ज्ञान प्रकाश, ऐसे घर को तो बहुत पहले ही चौपट हो जाना चाहिए था। दूसरे दिन दोनों भाई कलकत्ते से विदा होकर घर चल पड़े।